Today we are going to understand parts of a plant. First of all, write classwork and date. First of all, आपका question होगा मैम, parts of plants भी होते हैं? So yes, आपने previous class में या previous standard में आपने parts of body पढ़ा था ना? So जैसे body के parts होते हैं, eyes, nose, ears, hair, shoulder, extra. So वैसे ही plants के भी parts होते हैं. So a plant has many parts. Plants has many parts. बहुत सारे parts होते हैं plants में. A plant body is usually divided into the following parts. Now we are going to understand divided the following parts. किन किन पार्ट्स में प्लांट्स को डिवाइड किया गया है. सो दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ प्लांट. ओके, आप क्या क्या देख रहे हो इसमें? लीफ, हिज फ्लावर, स्टेम, फ्रूट, रूट्स. ओके, सो लीफ, फर्स्ट लीफ. इन द फ्लैट ग्रीन पार्ट विच प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट. लीफ का वर्क क्या होता है बच्चों? प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट. ओके, फ्लावर प्रोड्यूस फ्रूट्स. फ्लावर बिकम फ्रूट. क्या होता है? अगर कोई फ्रूट का प्लांट है या फिर कोई वेजिटेबल का प्लांट है, फर्स्ट उसमें फ्लावर आएगा, आफ्टर दैट वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? फ्रूट और वेजिटेबल में. ओके, नाउ फ्रूट. फ्रूट प्रोटेक्ट द सीड. जब भी आप कोई फ्रूट खाते हो उसके अंदर क्या होता है बच्चों? सीड्स होता है. सो फ्रूट का वर्क क्या है? सीड को प्रोटेक्ट करना. व्हाई? बिकॉज इस सीड से एक नया प्लांट हम ग्रो कर सकते हैं. ओके, नाउ स्टेम. स्टेम कैरीज फूड एंड वाटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड हेल्प इट टू स्टैंड इरेक्ट. स्टेम का वर्क क्या होता है? फूड एंड वाटर. फूड एंड वाटर टू ऑल प्लांट्स, ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट. कैरीज, कैरीज मतलब उठाना, ठीक है, या उसको रखना. ओके, एंड हेल्प टू इट टू स्टैंड इरेक्ट. स्टेम का वर्क होता है फर्स्ट तो कैरी करना फूड एंड वाटर, एंड सेकेंड थिंग उसको सीधा खड़ा करना. ओके, नाउ रूट. रूट इज प्रेजेंट बिलो द ग्राउंड एंड फिक्सेस द प्लांट. रूट कहाँ होता है बच्चों? बिलो द सॉइल, बिलो द ग्राउंड. ओके, इट ऑल्सो एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल फॉर द प्लांट. रूट का फर्स्ट वर्क क्या होता है? प्लांट को सॉइल से मजबूती से पकड़े रखना, ठीक है. फिक्सेस द प्लांट टू द सॉइल, फिक्स करना प्लांट को सॉइल में. एंड एब्जॉर्ब करना वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल. जब आप प्लांट में वाटर देते हैं, मिनरल्स उसमें डालते हैं, फॉर एग्जाम्पल खाद. ओके, सो वो क्या करता है? रूट, रूट एब्जॉर्ब करता है. जब भी आप वाटर प्लांट में देते हैं तो जो उसका सॉइल है वो वाटर अंदर चला जाता है ना, उसका क्या मतलब होता है कि रूट उसे एब्जॉर्ब कर रहा है अपने अंदर, रूट उसे खींच रहा है या पी रहा है. सो वो रूट क्या वर्क करता है? वो वाटर और जो मिनरल्स है एब्जॉर्ब करके प्लांट को भेजता है, सेंड करता है. ओके, नाउ ग्रीन प्लांट्स कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल इन देयर लीव्स. आप लीव्स का कैसा कलर देख रहे हो बेटा? जो ग्रीन कलर के लीव्स होते हैं वो क्यों ग्रीन होते हैं? बिकॉज उसमें ग्रीन पिगमेंट होता है. पिगमेंट एक केमिकल टाइप हुआ जो उसमें होता है लीव्स में. सो उसे क्या कहते हैं बच्चों? क्लोरोफिल. सो पिगमेंट आपका क्या हुआ? एक केमिकल हुआ जो प्लांट को, जो लीव्स को ग्रीन रखता है, और उसे क्या कहेंगे पिगमेंट को, जो ग्रीन पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल. आप ऐसा कह सकते हो कि लीव्स में क्लोरोफिल होता है जिस वजह से वो लीव्स ग्रीन कलर की दिखती हैं. ओके, नाउ कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर एंड क्लोरोफिल आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट. कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आप कैसे पता करोगे? व्हेन यू टेक ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. सो ब्रीद इन में हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन. एंड ब्रीद आउट में कार्बन डाइऑक्साइड हम लीव करते हैं, उसे छोड़ते हैं, बाहर निकालते हैं. बट प्लांट क्या करता है? वो भी ब्रीद इन और ब्रीद आउट करता है बच्चों. सो ब्रीद इन करने में उसको कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं और ब्रीद आउट वो ऑक्सीजन करते हैं. नाउ सनलाइट, सनलाइट हम सन से जो आपको लाइट मिलती है,
सनलाइट, वाटर एंड क्लोरोफिल, ये फोर थिंग्स जो है ये आपको क्या करता है, प्लांट को फूड प्रिपेयर करने में हेल्प करता है. ओके, द प्लांट स्टोर इन दिस फूड इन इट रूट्स. प्लांट स्टोर फूड कहाँ करता है, रूट्स में. ओके, स्टेम, लीव्स, फ्रूट, फ्लावर एंड सीड. रूट्स आफ्टर दैट स्टेम में जाता है, लीव्स में जाता है, फ्रूट, फ्लावर एंड वो क्या होता है इसका मेन, फ्रूट से सीड्स में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, सो मेन प्लांट का क्या मोटो होता है, फ्रूट फ्लावर प्रोड्यूस करना. सो उसका जो फूड होता है, रूट्स, पहले वो रूट्स में जाएगा, आफ्टर दैट स्टेम में, फिर लीव्स, फिर वो फ्लावर प्रोड्यूस करेगा एंड फ्लावर बिकम फ्रूट एंड आफ्टर दैट फ्रूट किसे प्रोटेक्ट करता है, सीड्स को. ओके स्टूडेंट्स, होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. थैंक यू.